दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार पढ़ना लिखना मतलब पैसा बर्बाद करना होता है, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान से अच्छे खासे पैसे तो एक यूट्यूबर कमा लेता है। हम कुछ दोस्त एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तभी हमारे एक भाई ने कहा कि यार खास हम इस फील्ड में 3 से 4 साल पहले आ गए होते, यानी काफ़ी टाइम पहले यूट्यूब चैनल या अपनी वेबसाइट शुरू कर दी होती तो शायद अब तक हम बहुत आगे निकल जाते या फिर बहुत पैसा कमा लेते। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार पढ़ाई लिखाई से अच्छा है आजकल कोई स्किल सीखो और उस पर काम करो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार अब मैं जो बोलने वाला हूँ आप उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बात से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि यार हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए या एक स्किल सीख कर उस पर काम करना चाहिए। क्या सच में पैसा कमाने में पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती? यदि आपके दिमाग में एक बार भी ऐसा सवाल उठा है या आपने पैसा कमाने या फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जीने का सपना देखा है, तो मेरे दोस्त मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी इस दुनिया की 70% आबादी से आगे हो, क्योंकि 70% लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की या जिंदगी को अच्छी बनाने की ट्राई करना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आप उन लोगों की गिनती में नहीं आते हो। मैं आपको किसी बड़े इंसान का एग्जाम्पल देकर नहीं बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यार अब वह टाइम निकल चुका है। आज के टाइम में हमारी युवा पीढ़ी को रोजगार के लिए भी तरसना पड़ता है। आज मैं आपको अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर पैसा कमाने के लिए कोई स्किल सीखनी चाहिए। दोस्तों, 2021 की शुरुआत में काफ़ी मेहनत के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिली। वह सैलरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वह सैलरी पाने के लिए दिन के 8 से 9 घंटे हर रोज पूरे महीने काम करना पड़ता था, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वैसे मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यार यदि आप में योग्यता है स्मार्ट वर्क करने की, फिर भी आप हार्ड वर्क पे अटके हुए हो, तो यार वास्तव में ये एक बुरी बात है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह होगी कि आपने अपना कीमती समय खो दिया। और दोस्त, ये सच्चाई है एक मिडिल क्लास फैमिली की कि यार एक एज के बाद हमें कहीं ना कहीं जॉब करनी ही पड़ती है। हमें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ महीने या कुछ साल का ही टाइम मिल पाता है। यदि उस टाइम में कुछ हुआ तो ठीक है, वरना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। और किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमारे सोचने और समझने की क्षमता तेज होनी चाहिए, और कोई भी इंसान तेज दिमाग लेकर पैदा नहीं होता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा घूमना फिरना, लोगों से मिलना, दुनिया देखना, ये सब कुछ समय के साथ साथ हमारी बुद्धि को तेज करता है, हमारे सोचने और समझने की लिमिट को बढ़ाता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी कुछ सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, पढ़ाई लिखाई मात्र डिग्री के लिए नहीं बल्कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करना बहुत जरूरी है, तभी किसी स्मार्ट स्किल को सीखा जा सकता है। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। स्मार्ट स्किल जिसमें आप एक बार काम करोगे और आपको सदैव इनकम आती रहेगी, वरना दोस्त सीखने को बहुत कुछ है जिसमें आपको जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन एक स्मार्ट स्किल को सीखना अपने आप में एक कला है, और ये कला वो ही सीख सकता है जिसकी दिमागी क्षमता तेज हो। और दिमागी क्षमता तेज करने के लिए हमें घूमना फिरना, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए यार अपने माइंड से ये डाउट निकाल दीजिए कि भाई पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, और मैं जितनी नॉलेज गेन करूँगा आप सभी दोस्तों को उतना ही बेटर एडवाइस दे पाऊँगा। इसलिए यार कभी भी सीखना मत छोड़ना। जब आप कोई चीज़ सीखते हो तब आप केवल उस चीज़ को सीखते नहीं हो बल्कि आप उससे भी हार्ड स्किल को सीखने के लिए तैयार होते हो। इसलिए यार पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कीजिए, लेकिन पढ़ाई को कभी छोड़िए मत। और एक सफल जीवन के लिए अच्छी संगत बहुत जरूरी है। हमने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो यार आप कौन सी स्किल सीखने वाले हो, आप में क्या टैलेंट है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।